तो आज मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाला हूँ अपनी मम्मी के बारे में, जो मेरे ख्याल से हर बच्चे की स्टोरी होगी। कैसे हमारी मम्मी हमें बेवकूफ बनाती है, हम मासूम दुनिया से अनजान बच्चों को पागल बनाया जाता है हमारी मम्मी द्वारा। तो ये बात है उस जमाने की। अब यार सब्जियां जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है। एक सब्जियां वो होती है जिनका नाम सुनते ही ना मजा आ जाता है, जैसे छोले, राजमा, सांभर, कड़ी। और फिर होती है वो सब्जियां जिनके नाम से ही, मतलब नाम देखो तुम, टिंडे, ये कैसा सा नाम है यार, शलगम, घिया, लौकी, तोरी, करेले, ऐसी ऐसी सब्जियां जिनका नाम सुनते ही नहीं भाई नहीं, ये आप ही खाओ, मैंने नहीं खानी। अब मुझे बचपन से ही ये शलगम, घिया, लौकी, तोरी, इन सबसे नफरत थी। लेकिन यार अब रोज रोज छोले, राजमा, ऐसी अच्छी अच्छी सब्जियां बनाना पॉसिबल तो है नहीं। तो मेरी मम्मी ने एक मास्टर प्लान बनाया। वो ये शलगम, घिया, लौकी, टिंडे, तोरी, इन सब्जियों को ऐसे छोटे छोटे आलू की शेप में काटा, उसके ऊपर जीरा छिड़का और मुझे बोल दिया, बेटा ये है जीरे वाले आलू। बीइंग अ पंजाबी, मुझे आलू बहुत पसंद थे और जीरे वाले आलू तो भाई मजा ही आ जाता था खा के। तो मैं भी वो सब्जी खा जाता और फिर उसके बाद बोलता, यार मम्मी इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग था, जीरे वाले आलू ऐसे तो नहीं होते थे, बट चलो जो भी है अब ठीक ही था, खा लिया। एंड उसके बाद मम्मी आती और कहती, बेटा तुझे पता है तूने अभी क्या खाया? एंड आई एम लाइक, हां जी मम्मी क्या खाया? बेटा तूने अभी टिंडे खाए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। लाइक यार मम्मी ऐसे तो मत करो यार, बच्चे को बेवकूफ बनाते हो, भगवान से डरो कुछ तो। टिंडे खिला दिए यार, मतलब बताओ ऐसे कौन बच्चे को पागल बनाता है। और फिर उससे पहले जब तक पता नहीं था कि वो टिंडे है तब तक वो सब्जी ठीक लग रही थी, लेकिन अब ये सोच के कि मैंने टिंडे खा लिए, अचानक से वो सब्जी का टेस्ट भी बेकार हो गया। यार ये क्या खिला दिया मम्मी आपने। बट जो भी कह लो, मम्मी तो सही खेल गई। अब बचपन में जब हमें कपड़े लेके दिए जाते हैं ना, तो हमारी देसी मम्मियां ये नहीं सोचती कि बच्चे को आज कपड़े लेके देने हैं, नहीं 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 nope. वो सोचती है कि अगर इस बच्चे को आज कपड़े लेके देने हैं तो 5 साल की प्लानिंग करके लेके देने हैं, कि देखो ये बच्चा तो मूर्ख है, इसको क्या ही पता चल रहा है, इसको तो कोई सेंस है नहीं दुनिया जहान की, कोई नॉलेज है नहीं इस बच्चे को, तो इसको अगर मैं इससे 5 साइज बड़े कपड़े भी पहना दूं तो कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला। बस तो बिल्कुल यही किया मेरी माता जी ने भी। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 2 साल का निश्चय उर्फ मैं ट्रिगर्ड इंसान, 2 साल का बेचारे को सेंस भी नहीं, और कपड़े पहना रखे हैं यहाँ पे कम से कम 7-8 साल के बच्चे के, मतलब टी-शर्ट देखो तुम कितनी लंबी है, घुटने तक आ रही है टी-शर्ट, और मुझे क्या है भाई, मैं तो पहने हुए कपड़े और मेरा स्वैग देखो तुम, मतलब फोटो में तुम पोज देख रहे हो, मतलब इस बंदे को यही है भाई दुनिया में जो भी है, इसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये कपड़े रीयूजेबल है, कल को मैं 3-4-5 साल जितने मर्जी साल का हो जाऊं, ये कपड़े तो मैं आराम से पहन सकता हूं, जब पिताजी के साइज के कपड़े मैंने पहने हुए हैं यहाँ पे। बोलो सच्ची में यार, इतने बड़े बड़े कपड़े पहनाती थी मम्मी, क्या करते थे मम्मी यार। अब हमारी देसी मम्मियां जो होती है ना, इनके पनिशमेंट के नुस्खे भी A1 वर्ल्ड क्लास, मतलब ऐसे तो तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। और मेरी मम्मी के पास तो खासकर एक ब्रह्मास्त्र था, तो मैं डायरेक्टली नहीं बताता तुम्हें कि वो क्या था वो ब्रह्मास्त्र, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब ये बात होगी जब मैं क्लास 5th या 6th में होगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मेरे अपार्टमेंट में एक लड़का शिफ्ट हुआ था, नया नया शिफ्ट हुआ था, उसका नाम था साहिल। तो साहिल से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन साहिल ने मुझे अपने घर पे खेलने के लिए बुलाया, उसने बोला कि उसके पास हीमैन वाले एक्शन फिगर्स थे। तो यार मैं हीमैन का बहुत बड़ा फैन था, तो मैं भी चला गया उसकी एक्शन फिगर्स देखने। अब मैं जब उसके घर खेलने गया होगा तब बज रहे होंगे 5 या 6 बज रहे होंगे, और खेलते 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 बज गए रात के 8। अब तुम सोचो रात के 8 बज चुके हैं और एक 5वीं क्लास का लड़का घर से गायब है। वो लड़का जो रोज 7 बजे घर लौट आता है, आज 8 बजे तक घर नहीं आया। यहाँ पर मेरी मम्मी परेशान, पूरे अपार्टमेंट में निश्चय की सर्च हो चुकी है लेकिन कहीं नहीं मिला निश्चय। हर दोस्त के घर की घंटी बजाकर पूछ चुकी है मेरी मम्मी, लेकिन हर जगह से सिर्फ ना, निश्चय गायब है, कहाँ है निश्चय। और फिर अचानक से घर की घंटी बजती है, टिंग टोंग, मैं आ गया माँ। रोते रोते मम्मी ने घर का दरवाजा खोला, मैं घर के अंदर आया और मम्मी ने मुझसे पूछा, कहाँ था बता? And I'm like, अरे मम्मी मम्मी शांत, अरे अपने दोस्त के घर था, खेल रहा था। कौन सा दोस्त? सबके घर तो पूछ चुकी हूँ मैं, कहीं नहीं था तू। अरे वो 80 नंबर में नया लड़का है, साहिल मेरा नया दोस्त बना है, उसके घर पे खेल रहा था। अरे मम्मी काम डाउन तू चल बाथरूम में चल। या
दैट वॉज माई मदर्स वे ऑफ पनिशमेंट. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को बाथरूम में बंद करा, बाथरूम को बाहर से लॉक करा और बाथरूम की लाइट ऑफ. ये था मेरी मम्मी का ब्रह्मास्त्र. जब भी मैं कोई गलती करता एंड मम्मी के पास कोई पनिशमेंट का तरीका नहीं होता, तो उनका बेस्ट फेवरेट पनिशमेंट का तरीका था बाथरूम में बंद करके लाइट ऑफ कर देना. क्योंकि भाई अब ये पांचवी क्लास का लड़का जो कि बाथरूम में बिल्कुल लाइट नहीं है, उसको लगता था कि भाई पॉट के अंदर से भूत निकल आएगा, वो बहुत ज्यादा रोएगा, मम्मा मम्मा मुझे निकाल दो मम्मी, सॉरी मम्मी गलती हो गई. वो भी क्या दिन थे कि बाथरूम में बंद किए जाने पर मैं रोता था. मतलब मैं लिटरली जोर जोर से रोता था कि मम्मी मुझे बाथरूम से निकालो, बहुत अंधेरा है, खा जाएगा कोई भूत मुझे, खा जाएगा पॉट में से कुछ निकल आएगा, प्लीज मम्मा मुझे निकाल दो. और मेरी मम्मी का फेवरेट पनिशमेंट का तरीका था, अब यार हाथ नहीं लगाती थी मम्मी हमारे ऊपर, कभी हमें हाथ नहीं मारा उन्होंने, थप्पड़ नहीं पड़े, लेकिन हाँ बाथरूम में बंद किया जाता था हमें. ये था मम्मी का फेवरेट पनिशमेंट का तरीका. सही में यार मम्मी आना कसम से बेस्ट होती है, लव यू मॉम. इसके अलावा मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. क्रिसमस से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा. कल रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने मैं एक पब में गया, तो वहां पर डीजे थोड़ा सा हिला हुआ था. डांस के लिए वो गाने सुनो तुम कौन से बजा रहा था. वहां पे लोग लिटरली सैड सॉन्ग्स पे भांगड़ा कर रहे थे. मेरे को देख के इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई कि मैं डीजे के पास गया और मैंने उसके मुंह पे बोला, मैंने उसके मुंह पे लिटरली झंड मारी एंड ही ब्लू मी अ किस. क्लैपिंग फॉर दैट गाय. बाय द वे ये पूरी की पूरी स्टोरी तुम्हें इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी. इंस्टाग्राम का हैंडल है मेरा @triggeredinsan, सिर्फ और सिर्फ @triggeredinsan, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो इंस्टाग्राम पे तुम पूरी की पूरी स्टोरी देख सकते हो, अभी वहां पर होगी. एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना. अगली वीडियो में मिलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.